जम्मू कश्मीर की नेत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगा झंडा को लेकर दिए गए बयान पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने हमला किया है। झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकू ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज महबूबा मुफ्ती का असली चेहरा और असली चरित्र सामने आ गया है। जो व्यक्ति देश का तिरंगा हाथ में लेगा, वही जम्मू कश्मीर में राजनीति कर पाएगा, और जो देश के तिरंगे झंडे का अपमान करेगा, वह हिंदुस्तान की जमीन पर रह भी नहीं पाएगा, और हिंदुस्तान के झंडे का जो अपमान करेगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना है तो तिरंगा हाथ में लेना ही पड़ेगा, और इस देश में मोदी सरकार है, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज कर जेलों में डाला जाएगा, और यह सभी लोग पाकिस्तान के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ये कान खोल कर सुन लें कि ये देश हिंदुस्तान है, उनके बाप को इसी देश ने गृह मंत्री के रूप में स्वीकार किया था, जब तुमको उठा लिया था तो ये देश ने आतंकवाद को छोड़ा और तुमको बचाया, लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा और असली चरित्र सामने आ गया। अरे तुम हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में नहीं लोगी तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कान खोल कर सुन लें, कश्मीर की धरती पर हिंदुस्तान का तिरंगा जो लेगा वही नेतागिरी कर पाएगा, वही सीएम बन पाएगा, वही कश्मीर में रह पाएगा। जो देश के तिरंगे का अपमान करेगा, वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो हिंदुस्तान में रह भी नहीं पाएगा। ये देश की सरकार अब इस हिसाब से चलेगी कि देशद्रोहियों को हम कुचलेंगे, हिंदुस्तान के राष्ट्र ध्वज का जो अपमान करेगा उनको जेल के सीचों के अंदर डाला जाएगा। महबूबा मुफ्ती, तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पुरखों को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो तिरंगा हाथ में लेना ही पड़ेगा। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।